बुलाए, तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। हेलो माय फ्रेंड्स, दोस्तों सीएमए का पेपर जैसे आपका पूरा हो, आपको सेंटर पे अपने दोस्तों के साथ कुछ भी पेपर के बारे में कोई टैली नहीं करना है। सीधे घर जाइए एज सून एज पॉसिबल और ड्राइव सेफली। घर पहुंचने के बाद सीधे बैठना नहीं है पढ़ने, रेस्ट लीजिए, चाय पीजिए या जो भी आपको अच्छा पसंद है खाना वो खाइए। उसके बाद नाउ स्टार्ट विथ वॉल्यूम थर्ड। आपको वॉल्यूम थर्ड पे जाना है। पूरा फोकस थ्योरी पोर्शन पे होना चाहिए। एम्फेसाइज करना है उसमें भी लिमिट्स पे। और जो सबके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे आपका सेट ऑफ डिडक्शंस, आरओआई, असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड ऑल, इन सबको पढ़ना है। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, थ्योरी पोर्शन पे जाना है। न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने, लिमिट्स विमिट्स याद करिए, थ्योरी पोर्शन याद करिए पूरा। जस्ट रीड आउट द होल वॉल्यूम, दैट्स इट। आफ्टर दैट अब आप जाइए अपने डिनर टाइम पे, डिनर लीजिए। डिनर लाइट होना चाहिए, हैवी डिनर नहीं लेंगे, आगे पढ़ना भी तो है, अभी तो दो दो वॉल्यूम बचे हैं ना हमारे। चलिए फिर आप जाइए वॉल्यूम फर्स्ट पे। वॉल्यूम फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं सॉल्व करना है, जस्ट प्रोविजन जो भी दिए हुए सारे एक बार फटाफट 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 रीड आउट कर लीजिए जल्दी से जल्दी सारा। बस न्यूमेरिकल पोर्शन पे नहीं जाना है। उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्तों, वो है जैसे सैलरी, स्टेटस, पीजीबीपी, इनको ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने हैं, ओनली जस्ट रीड आउट द होल प्रोविजंस, ऑल द प्रोविजंस। उसके बाद जब दोनों वॉल्यूम पूरे हो जाए, अब आप जाइए सोने आराम से। नाउ इट्स योर बेड टाइम, आराम से सोइए, नींद लीजिए अच्छे से, हेल्दी नींद। फिर ट्राई करना सुबह जितना जल्दी हो पाए 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाए, और अपने जो भी रूटीन काम है, अपना जो ब्रेकफास्ट है वो लीजिए। ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी होना चाहिए, पराठे वराठे आराम से लीजिएगा हैवी, क्योंकि माइट बी पॉसिबल आप लंच ना ले पाए जल्दी जल्दी में टेंशन की वजह से। ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर आप जाइए अपने ब्रह्मास्त्र वाले वॉल्यूम पे, वो है अपना जीएसटी एंड कस्टम्स वाला वॉल्यूम। उसमें आपको जो ज्यादा ध्यान देना है, फोकस जिस पे करना है, वो आपकी जैसे लिमिट्स हैं, आपके जो फॉर्म्स हैं उन पे ध्यान देना। फॉर्म बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लिमिट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं फॉर्म्स एंड लिमिट्स पे। पढ़ना तो वैसे पूरा ही है, बट ज्यादा ध्यान आपके फॉर्म्स एंड लिमिट्स पे होना चाहिए। उसमें अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो जैसे आपके टाइम ऑफ सप्लाई है, लेवी है, रजिस्ट्रेशन है, आपका आईटीसी है, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एक बात का ध्यान रखना, इस बीच में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 3 को नहीं हाथ लगाना है, पूरा ध्यान जीएसटी कस्टम पे ही होना चाहिए। इसके बाद आप सीधे जाइए अपने एग्जाम सेंटर पे। बी कॉन्फिडेंट दोस्तों, बिलीव योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीएस एग्जाम्स।